तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एमटेक सपोर्ट चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फेसबुक अकाउंट अनलिमिटेड क्रिएट कैसे कर सकते हैं जो कि बिल्कुल बिना मोबाइल नंबर के। तो आप आसानी से अपने बिना मोबाइल नंबर के आप फेसबुक अकाउंट अनलिमिटेड बना सकते हैं जो कि हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। दोस्तों कभी क्या होता है ना कि कभी अगर कोई नया अगर एप्लीकेशन अगर लॉन्च होता है तो उसमें अगर आप साइनअप करते हैं तो साइनअप करने के लिए आपको 5 रुपये 10 रुपये दिया जाता है, जो कि आप इस तरह से फेसबुक अकाउंट अनलिमिटेड क्रिएट करके आप आसानी से उस एप्लीकेशन को लूट सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी दूसरे में काम पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं पास में इस घंटी को हम भी प्रेस करें ताकि नए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर में चला जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है, फेसबुक सर्च कर लेना है जो कि इसका ऑफिशियली जो एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं यहाँ पर फेसबुक एक्चुअली सर्च करके रखा है। सर्च करने के बाद यहाँ आपका ऑफिशियली जो है वो आपको दिख जाएगा, फेसबुक का जो मेन एप्लीकेशन है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैं पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हूँ तो मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर ओपन करते हैं तो मेरा एक्चुअली यहाँ पर पहले अकाउंट में बनाया था, तो इसको हम लॉग आउट कर देता हूँ फटक से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लॉग आउट कर दिया है। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट ए न्यू फेसबुक अकाउंट जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नया अकाउंट बनाने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा जाएगा जिसके नाम से आप अनलिमिटेड यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कोई एक नाम चॉइस कर लेता हूँ। तो अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फर्स्ट नाम और यहाँ पर लास्ट नाम डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जब अनलिमिटेड बनाएंगे तो मैं वहीं सभी डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, तो जैसे मैंने वही डेट ऑफ बर्थ रहने दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर मेल फीमेल जेंडर आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, तो इनमें से आप किसी भी सिलेक्ट कर सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर दिया। मेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है इस ट्रिक को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर जो का जो ऑप्शन है तो हमको ये एक्चुअली बिना मोबाइल नंबर का बनाना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन अप विथ योर ईमेल एड्रेस, तो हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर डिफरेंट ईमेल एड्रेस डाल देंगे नया वाला। तब आपको यहाँ ईमेल वेरीफाई करने के लिए एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, या फिर आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फर्क से बता देते हैं। तो एप्लीकेशन एक्चुअली उसका नाम एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्प मेल, इस तरह से एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आपको प्ले स्टोर में आप आसानी से मिल जाएगा, या फिर इसका वेबसाइट भी है tempmail.com इस तरह से। तो इसके एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप किसी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से आइकन खोल कर आ जाएगा। तो यहाँ आपको तो जैसे उसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पर ईमेल आपको आसानी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको ईमेल यहाँ पर मिल जाएगा। आप दूसरे ईमेल चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर चेंज वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दूसरा ईमेल यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ प्रयास करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ मेरा ये दूसरा ईमेल आ चुका है। तो हम यहाँ से इस ईमेल को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और यहाँ जस्ट कॉपी वाले बटन पर हम कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद यहाँ हम जो यहाँ पर जो फेसबुक अकाउंट पर यहाँ पर आ गए, आने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो एप्लीकेशन मैंने ईमेल यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, तो हम यहाँ पर कोई एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ फटक से। तो आप जैसे पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको साइनअप विथआउट योर अपलोडिंग दिस कॉन्टैक्ट, तो अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है आप यहाँ पर अगर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मार सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर साइनअप वाला बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर साइनअप वाला बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्चुअली ईमेल गलत बता रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस मेरे यहाँ गलत बता रहा था, तो एक्चुअली मैंने दूसरा ईमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया चेंज करके ये वाले। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ दूसरा ईमेल मैंने फिर डाला, वेरीफाई हो चुका है। होने के बाद यहाँ पर जिस ईमेल में यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर डाला हूँ, डालने के बाद उस ईमेल में एक ओटीपी जाएगा, तो आप इस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा थोड़ा नेट स्लो है, थोड़ा सा लोडिंग दे रहा है, चलिए थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम ब्राउज़र का पासवर्ड सेव करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम ब्राउज़र का सेव कर लेता हूँ। उसके बाद आपको देख सकते हैं आपका जो पासवर्ड ईमेल इस तरह से रहेगा, इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो आपने ईमेल यहाँ पर डाला है। यहाँ पर आपको ईमेल शो हो जाएगा, ईमेल का आईडी यहाँ पर पासवर्ड आपका इस तरह से दिख जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर रखा है। इस ईमेल का आपका आईडी बन गया, ये आपका पासवर्ड हो गया। तो चलिए आप यहाँ पर अगर चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, लिख कर किसी डायरी पर नोट भी कर सकते हैं बाद में अगर इसको लॉग इन करना हो तो, या फिर आप यहाँ पर फोटो भी ले सकते हो। चलिए हम यहाँ पर फटक से एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ।
अब जैसे आप यहाँ पर नोट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस तरह से आपका कोई अगर दूसरा ईमेल है तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें से अगर आप वेरीफाई करिए और करना चाहते हैं तो आपने जो मोबाइल पर आपका ईमेल रहेगा तो यहाँ आपको शो हो जाएगा। तो हम इस सबसे कुछ में हम वेरीफाई नहीं करना, तो हम यहाँ पर सभी को अनटिक कर देंगे और यहाँ पर कन्फर्म हुई थी या जो मोबाइल नंबर जो मैंने ईमेल यहाँ पर डाला है, तो ईमेल जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है जो इस एप्लीकेशन के थ्रू से मैंने, तो इसमें मेरा एक ओटीपी आ जाएगा तो हमको वहाँ पर डाल देना। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा इस बॉक्स में मैसेज यहाँ पर आ चुका है, तो हम यहाँ पर इनबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर मेरा यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, तो सिंपली हम इस ओटीपी को कॉपी करके हम वहाँ पर डाल देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, डालने के बाद यहाँ आपको कंफर्म वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप मेरा देख सकते हैं, मेरा सक्सेसफुली अकाउंट मेरा यहाँ पर बन जाएगा। जिसको देखते हैं थोड़ा सा कंफर्म हो रहा है, उसके बाद योर कंफर्म इज अकाउंट। अगर आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर आप गैलरी से आपको एक फोटो भी लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली एक फोटो को ही खींच सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऊपर यहाँ कोने बॉक्स से स्किप बटन है, आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर फटक से स्किप भी कर देते हैं, कोई फोटो नहीं जोड़ना चाहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका कोई नज़दीकी फ्रेंड जो रहेगा चार पांच, तो इसमें आपको चार या पांच फ्रेंड को ऐड करने के लिए बोला जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पर फ्रेंड ऐड करने का ऑप्शन आया था, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सक्सेसफुली आपका जो फेसबुक अकाउंट यहाँ पर बन चुका है, और आपका यहाँ पर थ्री आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप प्रोफाइल में आपको हर चीज़ आपको इस तरह से मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी अभी ये नाम पे मोहन खान के नाम पे मैंने अभी अभी ये इसको क्रिएट किया हूँ। तब इस तरह से आप आसानी से बहुत सारा मतलब कि अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को लूट सकते हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं मैं अभी अभी ये अकाउंट क्रिएट किया हूँ। आप इस तरह से बहुत सारे फेसबुक अकाउंट अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको सिंपली एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक बार बना के दिखाया है। तो आप इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक अकाउंट बनाइए, और कोई भी एप्लीकेशन अगर लूट ऑफर आता है तो इस तरह से आप एप्लीकेशन का साइन अप कर लीजिए, 4 रुपये 5 रुपये जो कुछ भी आपको मिला या 10 रुपया साइन अप करके आप उसको रिडीम कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है फिर हम, हमारा कमेंट बॉक्स में जाकर हम लिख को बताएं कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें, और पास में इस घंटी आइकन को भी प्रेस करके ताकि नए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। इसी तरह अच्छे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही था आज का वीडियो।